बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात पढ़ेंगे डिविडेंड इनकम के बारे में। डिविडेंड इनकम से आप लोगों को क्या बात पता चलता है कि ये जो कि इनकम की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दी जाती है। अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, यानी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उस पैसे को कंपनी यूज़ करती है अपने बिजनेस में, उससे जो प्रॉफिट होता है वो सब में डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड से ही डिविडेंड इनकम निकला है, यानी शेयर होल्डर्स में इनकम को डिवाइड कर देना, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेकिन ये कंपनी कब डिस्ट्रीब्यूट करती है? जब कंपनी अपने प्रॉफिट को डिक्लेयर करती है फाइनल, यानी जब कंपनी अपने फाइनल प्रॉफिट को डिक्लेयर करेगी, उसके बाद ही उस प्रॉफिट में से डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। उससे पहले डिक्लेयर करने का मतलब ये हो गया कि कंपनी पहले अपनी इनकम देखेगी कि उसको कितनी इनकम बची है, यानी इसने कितनी अर्निंग कर ली है सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, सारे टैक्सेस पे करने के बाद। उसके बाद फिर वो क्या करती है, कंपनी डिक्लेयर करती है, यानी ऐलान करती है कि डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके ज़्यादा शेयर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, डिक्लेयर करती है पहले, फिर उसके बाद कैश डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाता है। अब कंपनी की मर्जी है कि कैश दे दे या मजीद शेयर्स दे दे। कैश देती है तो कैश डिविडेंड कहलाता है, और शेयर्स देती है तो उसको हम स्टॉक डिविडेंड कहते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। और ये हमेशा 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, यानी सेमी एनुअली पे किया जाता है। जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन है, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ कंपनीज अर्निंग टू अ क्लास ऑफ इट्स शेयर होल्डर एज डिटरमाइंड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ तक पहले पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि डिविडेंड एक किस्म की इनकम है, अर्निंग है कंपनी की, जो कि शेयर होल्डर्स में डिवाइड की जाती है और डिटरमाइन की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। ठीक है, डिटरमाइन मीन्स के ये अंदाजा लगाया जाता है कि कितना हिस्सा उनका बन रहा है उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। कॉमन शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड दिया जाता है, वो जो है वो क्या होता है, इसमें लिखा हुआ जैसे कि एज लॉन्ग एज दे ओन द स्टॉक बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट। ठीक है, यानी जो पिछले डिविडेंड इशू हो चुके हैं उस पे नहीं मिलेगा, बल्कि एक्स डिविडेंड डेट मींस कि जो आपने पहले से शेयर्स खरीद के रखे हुए थे उनके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। जो आपने अभी रिसेंटली खरीदे हैं शेयर्स, उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ कि स्टॉक दे ओन द स्टॉक बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट, यानी जरूरी है कि आप डिविडेंड की डेट से डिक्लेयर करने से पहले आपने स्टॉक को खरीद रखा हो, तभी आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। इट इज पेड क्वार्टरली सेमी एनुअली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली दिया जाता है। डिविडेंड इनकम इज पेड आफ्टर कंपनी अर्निंग डिक्लेयर, यानी कंपनी पहले अपना अर्निंग डिक्लेयर करती, उसी में से फिर डिविडेंड देती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।